सो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है कि एज कितनी होनी चाहिए सच कि ब्लॉक कोलाइड ना करे. कोलाइड ना करे इसका मतलब क्या, सरफेस है इसका मतलब नीचे तक पहुंच जाए एंड पहुंचने पे जस्ट उसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो जाए. हम ये अज्यूम कर रहे हैं, राइट है ना, मतलब नीचे पहुंचे एंड वहां पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा. तब तो फिर हम बोलेंगे कोलिजन नहीं हुई है. मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे वेलोसिटी बेसिकली आपको जीरो चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है एंड फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो कोई चेंज नहीं हुआ है. पूरे सिस्टम पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो टोटल वर्क डन सिस्टम पे जीरो होना चाहिए. सिस्टम पे टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो. अगर आप देखोगे दोनों मास को अगर हमने एच और एच से नीचे लोअर कर दिया है तो एक्चुअली स्प्रिंग का जो दोनों एंड है वो भी एच और एच से स्ट्रेच हो गया. वही नहीं हुआ, तो स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन कितनी आई है, 2h की आई है ना, सर राइट. सो टोटल इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग जो हम कंसिडर करेंगे, टोटल इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, ये आपका मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम दैट इज बेसिकली 2h, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते, ठीक है. अब वर्क एनर्जी हम लगाएं, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज है नहीं तो इसको जीरो कर लिया. अब मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो टोटल मैकेनिक एनर्जी भी कंजर्व होती है. तो यहाँ पे टोटल मैकेनिक एनर्जी के टर्म्स में अगर सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, दोनों मासेस नीचे आ रहे हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, राइट है ना. हाँ सर, हाँ सर, एंड वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगा. कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में. तो दोनों मासेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस एंड इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन, बस उसी को इक्वेट कर लोगे. मतलब दिस इक्वेशन इज सेम एज जीपीई का लॉस इक्वल टू एसपीई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन, सेम चीज ही है, जैसे भी लिखो आप सेम आएगा. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस मतलब ट्वाइस ऑफ एमजीएच, क्योंकि एक मास के लिए एमजीएच दूसरे मास के लिए फिर एमजीएच, तो ट्वाइस ऑफ एमजीएच. एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन विल बी हाफ के इनटू 2h एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे, दैट्स इट, हो गया काम खत्म. अब यहां से देखोगे तो यहाँ पे ये हाफ और ये टू का स्क्वायर ये मिलके कट जाएगा. तो यहां से देखोगे तो आपको h की वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली mg बाई k मिल रही है. इसका मतलब एक्चुअली अगर पूछे h कितना होना चाहिए तो हमारा जो रिक्वायर्ड h है, जो रिक्वायर्ड h होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बाई k, दैट्स इट. तो फिर वो कोलाइड नहीं करेगा. क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? वॉज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? सर बताओ मुझे, जो आपने लास्ट डे सीखा बस उसी का एप्लीकेशन था. अगर ट्राई नहीं करेंगे आप लोग तो हम कैसे सिखाएंगे आपको, बताओ. ट्राई तो आपको करना ही है. चलो एनीवेज, ये तो आसान क्वेश्चन था. इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचने के लिए टाइम लगता, तो इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस एट वन गो. इसमें क्या कह रखा उन्होंने, सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है. देखो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या, सारे मासेस पे इंडिविजुअली अगर देखोगे तो नेट फोर्स जीरो मिलना चाहिए. तो एम वन मास ऊपर है तो एम वन मास के ऊपर भी फोर्स जीरो होना चाहिए, एम टू मास नीचे है उसके ऊपर भी फोर्स जीरो होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है. कॉम्प्रेस्ड तो है ना, ये पक्का है, कॉम्प्रेस्ड है या नहीं है स्प्रिंग? कॉम्प्रेस्ड तो है ही, कॉम्प्रेस्ड है. तो कितने से कॉम्प्रेस्ड है पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन कह रहे हैं इसको, दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है. एंड ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नेचुरल लेंथ वाली मार्क है, नेचुरल लेंथ वाली मार्क है. तो यहां से यहां तक का जो इनिशियल कॉम्प्रेशन है ऑलरेडी जो उसमें एग्जिस्ट करता है, इसको अगर मैं एक्स एक्स वन कह लेता हूँ या इनिशियल कॉम्प्रेशन के लिए, तो ये कितना होगा. देखो इधर से के एक्स का फोर्स, के एक्स वन का फोर्स और इधर से खुद का वेट एम वन जी, ये दोनों बैलेंस होंगे तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्टली एम वन जी बाई के की आएगी, आएगी हाँ सर, ठीक है. अब उसने बोला है कि हमने क्या किया, इसको फर्दर पुश किया है. बाय व्हाट डिस्टेंस एक्स द ब्लॉक एम वन नीड्स टू बी फर्स्ट पुश्ड फर्दर, मतलब यहां से फर्दर पुश करना है. तो हमने क्या किया, यहां से ब्लॉक को मान लेते हैं कि हमने इसको यहां से यहां तक पुश कर दिया है, ठीक है. ये उसका नया पोजिशन है एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, ये एम वन का ही पोजिशन है, ये वाली डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया है. अब ये वाली आपको फाइंड करनी है, कंडीशन क्या है यूज करना वो देख लेते हैं, ठीक है. सच दैट
ऑन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहां से हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो मिलेगी आपको, यहां पे कोई वेलोसिटी जीरो जीरो ही है, ठीक है. द ब्लॉक M2 इज एबल टू लीव कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस. M2 को हमें कॉन्टैक्ट से छुड़वाना है, ये कंडीशन है बेसिकली गिवन. तो पहली चीज ये है कि M2 को अगर कॉन्टैक्ट छुड़वाना है तो स्प्रिंग ही तो उसको पुल कर सकता है ना, राइट right? है ही नहीं है, आप सोचो राइट, स्प्रिंग उसको पुल कर रहा है. स्प्रिंग स्प्रिंग को पुल करने के लिए उसको कॉम्प्रेस स्टेट में चाहिए आपको या इलोंगेटेड स्टेट में चाहिए, पहले ये सोच के देखो. स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को कब पुल करना है, इलोंगेटेड स्टेट में. इलोंगेटेड स्टेट मतलब नेचुरल लेंथ से उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा ना हमें, राइट right? है ना. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन हमने नेचुरल लेंथ वाली लाइन मार्क की है, ये वाली जो मार्क की है, इसके ऊपर ब्लॉक M1 को जाना पड़ेगा एंड उसको एक सर्टेन डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा ताकि वो M1 M2 को बेसिकली पुल कर पाए, ठीक है. तो हमने यहां से इसको रिलीज किया है इनिशियल पोजिशन से एंड वॉट वी डिजायर इज कि जो ब्लॉक M1 है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस तक उसको ऊपर चले जाना चाहिए. दिस इज M1's फाइनल लोकेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जानी चाहिए. अब नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाएगा ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही. आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर पाएंगे कि नेचुरल लेंथ से वो कितना ऊपर चला गया. कैसे निकालेंगे कितना ऊपर चाहिए नेचुरल लेंथ से ऊपर, अगर इसको मैं एक्स टू कह रहा हूं तो कितना रिक्वायरमेंट है देखो. तो नेचुरल लेंथ से अगर एक्स टू इलोंगेटेड है, अगर नेचुरल लेंथ से वो एक्स टू इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, केएक्स टू, राइट. हाँ सर. तो देखो यहाँ पे जो M2 पे जो पुलिंग फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा, केएक्स टू लगा लगेगा, राइट है ना. हाँ सर. राइट. और अगर ये M2G से बड़ा हो गया, अगर ये M2G से बड़ा हो गया तो क्या वो उसको पुल नहीं कर लेगा. हाँ सर, पुल करेगा. राइट right? समझ आ रही है आपको, आई गेटिंग इट. हाँ सर. यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से है वो जीरो चाहिए. इसका मतलब X2 has to be greater than or equal to M2G divided by K. Did you understand? Yes, did sir. You understand? Did you understand everybody? Yes, sir. Block M2 को lift करने के लिए हमें जो spring force चाहिए वो M2G से बड़ा चाहिए, जो downward pull है gravity का उससे बड़ा force चाहिए, तभी तो आप उसको lift कर पाएंगे. तो KX2 अगर M2G से बड़ा है तो X2 की वैल्यू आपकी M2G by K से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो ये वाला पार्ट नहीं था, आप तो स्प्रिंग KX2 लिखे नीचे. क्या क्या, फिर से बोलिए एक बार, फिर से बोलिए एक बार. तो जहाँ पे आप KX2 लिखे हैं ना ऊपर, जो आप X2 लिखे उसके बाद वो कैसे लिखे हैं, ये स्प्रिंग तो इलोंगेटेड स्टेट में है ना अभी. कितने से इलोंगेटेड है पहले आप ये बताइए. बड़ी होनी चाहिए, ठीक है. अब एक चीज आपको याद है, मैंने आपको ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए एक बात समझाई थी कि ऑसिलेशन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उस इक्विलिब्रियम के जितना एक साइड ऑब्जेक्ट होता है दूसरी तरफ भी उतना ही डिस्टेंस होता है, याद है आपको. हाँ सर. जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, डू यू रिमेम्बर. हाँ सर. हाँ सर. तो यहाँ पे देखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे था एक्स, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा वो भी तो एक्स ही होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. हाँ सर, होना चाहिए. That's it. तो x का वैल्यू कितना हो गया देखो, तो x1 plus x2 हो गया क्या? और x2 m2g से बड़ा है, तो x1 plus x2 किससे बड़ा होना चाहिए, m1g plus m2g by k से बड़ा होना चाहिए. That's it. हो गया आंसर. Did you understand? हाँ सर, ठीक है, समझ. आसानी से निकल गया. So as sorry as block M1 performs vertical oscillations about equilibrium position. Thus, its amplitude, maximum displacement,
विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन. मीन पोजिशन शुड बी सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजिशन, ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजिशन. That's it. So condition आप use करेंगे कि x should be equal to x1 plus x2 and as x1 itself is m1 g by k. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया. ओहो अच्छा अच्छा एक मिनट. So x की वैल्यू है m1 g by k और x2 आपने निकाल लिया है greater than or equal to m2 g by k. So therefore x की वैल्यू जो होनी चाहिए that should be greater than or equal to m1 plus m2 into g divided by k. अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो सिंपली m1 plus m2 g by k बोल देते. Did you all understand? Yes sir. हाँ sir. ठीक है. ये मैंने आपको आसान तरीका बताया है. ये आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. बट अगर आप बुक्स में देखो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है. अगर आप किसी भी ऑथर का सोल्यूशन भी फॉलो करोगे तो मतलब कोई भी बुक ये मतलब बहुत सारे बुक्स में कॉमनली आपको मिल जाएगा. तो वो क्या करते हैं वर्क नीति थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर आप वर्क नीति थ्योरम लगा के अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं सपोजली तो कैसे करते हैं वो बात करते हैं. ठीक है क्योंकि आपको सारी चीज समझ आनी चाहिए. हाउ डू यू अप्लाई वर्क नीति थ्योरम. तो वर्क नीति थ्योरम क्या कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मैं M1 पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ क्योंकि M2 वैसे भी मूव नहीं कर रहा है. तो M1 पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. तो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी एंड स्प्रिंग राइट. एंड दोनों ही फोर्सेस का जो दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हैं. एंड इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है एंड फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है. तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग मिला के शुड बी जीरो राइट. तो वापस से आप ये भी कह सकते हैं कि एक का लॉस दूसरे का गेन होना चाहिए. तो अब इस तरह से अगर इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वो देखो आपको समझाता हूं. ठीक है ये तो मैंने आसान तरीका आपको क्वेश्चन बता दिया है. अब अल्टरनेटिवली ये आपको फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा हूं. ठीक है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पोजिशंस इसको पोजिशंस को कुछ नाम दे देते हैं. इसको पोजिशन ए कह लेते हैं और इसको पोजिशन बी कह लेते हैं. ठीक है एकदम ए और बी क्लियरली दिख रहा है आपको डायग्राम में ए और बी. यस सर. ठीक है हां सर. तो बिटवीन पोजीशंस ए एंड बी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं. तो अब क्या लिखेंगे आप वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑब्जेक्ट देखो तो नीचे से कितना ऊपर गया है ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ऊपर गया है एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू यही गया ना. हां सर. राइट हां सर. तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया नेगेटिव ऑफ M, नेगेटिव ऑफ एम वन जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू. ठीक है आप एक्स वन एक्स टू नो नहीं ध्यान रखिएगा एक्स ही हमको निकालना है प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग. वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होती है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो फाइनल माइनस ही नीचे लिखनी है. और जो भी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का कैलकुलेशन करेंगे आप नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में ही करेंगे. आप ध्यान रखिएगा नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करते हैं. तो नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में फाइनल इलोंगेशन कितनी है x2 राइट राइट. तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे हाफ इनटू k इनटू x2 का स्क्वायर माइनस इनिशियली इनिशियली कितने का कंप्रेशन है कितने का कंप्रेशन इनिशियली x plus x1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे हाफ के इंटू एक्स प्लस एक्स वन एंड इसका स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. दैट्स इट. अगर आप देखोगे तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक आ रही है दिख रही है आपको यू सी दैट. हां सर. और एक्स का क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो फाइनली यही आंसर पे पहुंचेंगे ये वाले आंसर पे पहुंचेंगे. उसमें क्या आएगा एम वन प्लस एम टू जी बाई के आ जाएगा क्योंकि हमने जस्ट मिनिमम वैल्यू लेके ही किया हुआ है. इसको सॉल्व करके अपने आप आंसर आ जाएगा. समझ आ रही है. आप एक बार ट्राई कर लेना सॉल्व करके देख लेना कि आंसर मैच कर रही है नहीं कर रही है. इन केस अगर नहीं आएगी तो अपना कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेना. अगर नहीं मिस्टेक मिले तो फिर मुझे दिखा देना क्योंकि आना आंसर आना ही है. ठीक है मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इन एक्स. आप ये मत लिखना ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इन एक्स. आप स्पेस छोड़ देना खुद से बाद में ट्राई कर लेना. ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इन एक्स वी गेट एक्स की वैल्यू इज एम वन प्लस एम टू इंटू जी डिवाइडेड बाई के.
तो बहुत कुछ लोगों ने जो मुझे वर्क नीड थ्योरम लगा के दिखाया था वो लोग इनिशियली जो पोटेंशियल जी लिख रहे थे वो अलग ही लिख रहे थे. इनिशियली किसी ने भी हाफ के एक्स वन प्लस एक्स नहीं लिखा, एक्स वन प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं लिखा. आपको ये चीज का ध्यान रखना है जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं या स्प्रिंग के लिए या फिर आप स्प्रिंग फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में कितनी इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है हमेशा उसके बारे में ही बात करते हैं. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी.